हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनको फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड मिला होगा, तो उनकी जो लिमिट होगी ना बहुत ज्यादा कम होगी। किसी की 10,000, किसी की 15,000 या 20,000 लिमिट मिली होगी। और आप उस क्रेडिट कार्ड को लगभग 6 महीने और 1 साल तक यूज कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और आप किस तरह से उसकी लिमिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए तक इंक्रीज कर सकते हैं, डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज की ट्रिक वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने पहले ट्रिक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आपने बहुत सारे लोग सुना होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में चाहे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, चाहे जितना भी अमाउंट आप क्रेडिट कर लो, लेकिन उससे आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर जो है नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो अलग अलग है और दोनों का ऑफर जो है अलग अलग आता है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करके रखते हो तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर जरूर मिल जाएगा, लेकिन लिमिट इंक्रीज करने में और प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करोगे तब तक आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज से सिर्फ मैं आपको इतना क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो पहले आप उसको यूज कीजिए, बिना यूज किए उसकी लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जितनी भी लिमिट मिलती है आपके क्रेडिट कार्ड में, उसमें से कम 30-40% जो है आप कोशिश कीजिए कि उसको यूज कर पाए। इससे आपको तो 2 फायदे होंगे। पहला तो जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा होगा वो सेव रहेगा, यानी आप उसको इमरजेंसी टाइम में यूज कर सकते हो। आपके पास में वो एक कैश मनी होगा और आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी चीजें परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह ऑफर्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। दूसरा बेनिफिट, आप जब क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो और उसकी रिपेमेंट करते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता है। तो इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिल जाता है, जैसे कि न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, या फिर जब कोई आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर भी आपको क्रेडिट स्कोर देखा जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो आपको हायर अमाउंट जो है लोन के रूप में मिल जाता है। तो इसके ये 2 फायदे मिल जाते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास में है और आप उसको यूज करते हैं तो। सो अब बात करते हैं हम अपने पहले ट्रिक की, जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर जो है पा सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको अमाउंट को खर्च करना है जितना भी आपको लिमिट मिला है। उसके बाद में जब आपका बिल जनरेट हो जाता है, एग्जांपल के लिए आपकी पर मंथ जो है 13 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है और उसकी रिपेमेंट करने का आपको टाइम मिलता है नेक्स्ट मंथ में 2 तारीख को, लेकिन आपको लास्ट डेट को पेमेंट नहीं करना है, कम से कम 10 दिन का गैप रखना है, यानी आपका 13 तारीख को बिल जनरेट हुआ और आप 23 और 25 के बीच में इसकी रिपेमेंट कर दीजिए और इस चीज को आपने कंटिन्यू जो है 6 मंथ तक करना है। उसके बाद में आपको बैंक की तरफ से खुद ही ऑफर आ जाएगा लिमिट इंक्रीज करने का। और इस ट्रिक से बहुत सारे लोगों ने अपनी लिमिट इंक्रीज भी की है, तो आप भी इस ट्रिक का यूज करके अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रोसेस का यूज करके जो सैलरीड पर्सन है वो भी अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये जो प्रोसेस है इक्वल ही वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ट्रिक की, जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप आईटीआर जरूर से फाइल करते होंगे, तो आपने पिछले ईयर में जितने अमाउंट का आईटीआर फाइल किया था आप इस ईयर में उससे ज्यादा का ही आईटीआर फाइल करोगे। कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जैसे कि कोविड का आया था, उस टाइम में लोग जो है अपनी इनकम जो है डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन हमेशा जो है कुछ अमाउंट 50,000 या 1 लाख रुपए जो है इंक्रीज करके ही आईटीआर फाइल किया जाता है। तो आपने भी पिछले ईयर में जो आईटीआर फाइल किया था वो कम अमाउंट का किया था और इस ईयर में आप ज्यादा अमाउंट का आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उस आईटीआर के बेसिस पर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए जब आप आईटीआर फाइल कर लोगे उसके 10 दिनों या 20 दिनों बाद में आप बैंक में विजिट कर लीजिए और बैंक में विजिट करने के बाद में वहां पर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जाइए और उनको बोलिए से मैं अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना चाहता हूं, तो वो आपसे आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो उनको आपने अपना आईटीआर दिखाना है पिछले ईयर का भी और इस ईयर का भी, तो दोनों ही आईटीआर में वो डिफरेंस देख पाएंगे और उसके बाद में आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका जो लिमिट है इंक्रीज हो जाएगा। और आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो मैं यहाँ पर 99% श्योर हूँ कि आपका जो लिमिट है इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ट्रिक की, जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है सैलरीड पर्सन के लिए है और यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का लिमिट इंक्रीज तभी होता है जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है,
यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जिस कंपनी में आप वर्क करते होंगे तो पिछले ईयर आपकी इनकम कुछ और थी, आपकी ग्रॉस इनकम जो कुछ और थी, और आने वाले साल में आपकी इनकम जो है कुछ और हो जाएगी। तो इस बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर जो है बैंक की तरफ से भी आ सकता है, या फिर आप बैंक विजिट करके उनको बोल सकते हो कि मेरी जो पहले इनकम आती थी, सैलरी स्लिप पे आप देख सकते हो ये इनकम आती थी, अब जो मुझे इनकम मिल रहा है इतने फंड का मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो आप इस बेसिस पर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास कितने सारे क्रेडिट कार्ड हैं और कितनी बार मुझे क्रेडिट कार्ड के लिमिट जो इंक्रीज करने का ऑफर मिला हुआ है, जिसके ऊपर मैंने लाइव वीडियो भी बनाकर दिया हुआ है, कौन कौन बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं और कैसे कैसे उसकी लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सारे ट्रिक्स शेयर किए हैं उनका अगर आप यूज करते हो तो 99% चांसेस हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है इंक्रीज हो जाएगी। और आप में से कुछ लोग इस ट्रिक को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।